गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो मैं हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये डेरिवेशंस वन कर्मन मोमेंटम इक्वेशन लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट ये कर लिया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम थ्रो कंट्रोल वॉल्यूम तो इक्वल टू मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूड थ्रो बी सी मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूड थ्रो बी सी एंड मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूड थ्रो ए सी ए डी माइनस करेंगे एंड सी डी इसमें से माइनिंग तो एंट्रिंग फेज आपके पास यहाँ पर दो है ए डी एंट्रिंग फेज है और ये ए बी एंट्रिंग सी डी एंट्रिंग फेज है तो बी सी का आपका लिविंग फेस है तो बी सी लिविंग फेस माइनस एंट्रिंग फेज आपको माइनस कर दोगे यहाँ से तो ईजिली आपका सॉल्व हो जाएगा ये इक्वेशन आपके यहाँ पर निकल के आती है इस इक्वेशन में हमारे पास ये वैल्यूज कट हो जाएगी इधर से ठीक है ये वैल्यू कट हो गई तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज बचेंगी और इस वैल्यू को जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या निकल के आएगा अभी आप यहाँ पर करते हैं इसको आगे ठीक है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं हम इन दोनों में से डीवाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर डेल्टा रो यू स्क्वायर है ना रो यू स्क्वायर डी वाई माइनस ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन जीरो से लेकर डेल्टा रो यू कैपिटल यू आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल वी रो वी कैपिटल वी डी वाई कॉमन आप लेंओगे डी एक्स ठीक है तो ये चीज़ें आपके यहाँ पर आ रही है इसको सॉल्व कर देंगे डी वाई वाई डी एक्स डेंसिटी कांस्टेंट है इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है इसलिए डेंसिटी अपन बाहर ले लेते हैं पूरे इसके लिए डेंसिटी आपने बाहर ले ली ठीक है और ये पूरे का डेरिवेशन एक ही हो गया जीरो से लेके डेल्टा डेल्टा जीरो से लेके यहाँ पर डेल्टा ये एक की वैल्यू हो गई तो रो आपका बाहर निकल ही गया इसके अंदर क्या बचेगा ये रो यू स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस स्मॉल यू इंटू कैपिटल यू कैपिटल यू स्मॉल यू इंटू कैपिटल यू ब्रैकेट में है और ये हो जाएगा आपका डी वाई डी वाई इंटू डी एक्स ठीक है डी वाई इंटू डी एक्स ओके तो ये आपके यहाँ पर डेरिवेशन निकल के आता है अब ये जो चीज़ें हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ठीक है ये आप इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ठीक अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ पूरा डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी अब इसमें आप कुछ नोट कीजिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टू द कंट्रोल वॉल्यूम ए ए बी बी सी डी सी डी मस्ट बी इक्वल टू टोटल फोर्स ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम इन द सेम डायरेक्शन जो टोटल फोर्स होगा वो एक्चुअल में ड्रैग फोर्स क्या होता है वैल्यू ऑफ ड्रैग फोर्स ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या होती है ये आपको भी बता देता हूं मैं एक बार ड्रैग फोर्स ड्रैग फोर्स हो गया एफ डेल्टा एफ इंटू डी एफ डी मतलब ड्रैग फोर्स डेल्टा एफ ऑफ डी ड्रैग फोर्स इक्वल टू हो जाता है सीयर स्ट्रेस इंटू एरिया देखो फोर्स बराबर का होता है स्ट्रेस बराबर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है यहाँ पर फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया डी एक्स इंटू वन एक्चुअल में यूनिट विथ्थ है ये है ना वन का मतलब हो गया यूनिट विथ्थ है तो ये एरिया हो गया डी एक्स इंटू वन तो यहाँ पर ड्रैग फोर्स की वैल्यू इस तरह से निकल के ये आती है अब ये फोर्स चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वलेंट है आपके इस फोर्स के इक्वेलेंट है ठीक तो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके इक्वलेंट है इस फोर्स के इक्वलेंट है और ये जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है ड्रैग फोर्स की या स्ट्रेस की आपको पता है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक फोर्स होता है एंड इट इज इक्वल टू एंड अपोजिट डायरेक्शन तो ये हो जाएगा आपका द टोटल एक्सटर्नल फोर्स आगे लिखिए द टोटल एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम द टोटल एक्सटर्नल फोर्स यहां पे लिख लेते हैं हम टोटल एक्सटर्नल फोर्स टोटल एक्सटर्नल फोर्स टोटल एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो टोटल फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में लगेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन में तो डायरेक्ट फोर्स होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको जो इसकी वैल्यू होगी वो इसके अपोजिट में एंड इक्वेलेंट में आएगी तो माइनस बोल सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में है ये तो इसको हम क्या बोलेंगे इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस टाउ इंटू डी एक्स माइनस टाओ इंटू डी एक्स और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है ये और आपका ये सॉरी ये या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ड्रैग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसे अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये आपका हो गया भाई सेम डायरेक्शन इधर देखो इन द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब है एक ही डायरेक्शन में यदि मेरे पास दोनों फोर्स हैं तो इसको जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आएंगे तो इसके माइनस में ये आ जाएगा तो टाओ इंटू डी एक्स टू डीएक्स इक्वल एंड इक्वल टू दिस वैल्यू इस वैल्यू को आप ऐसे कैसे इसमें उतार दो यहाँ पर रॉ इंटू डी वाई डीएक्स रॉ इंटू डी वाई डी एक्स जीरो से लेके लेमडा यू स्क्वायर इंटू स्मॉल यू इंटू कैपिटल यू इंटू डी वाई डीएक्स ये वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है ठीक है अब यहाँ पर ये डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा यहाँ से डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन टाओ इक्वल टू टाओ नॉट इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है ये डी वाई डी एक्स आ रहा है माइनस में से कुछ चीज़ें कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर अपन रो तो लगेगा ही लगेगा यहाँ पर और ये माइनस भी लगेगा क्योंकि माइनस से इधर लगा देते हैं हम और फिर ये क्या निकल के आ जाएगा आपका यू स्क्वायर कॉमन लेंगे हम है ना कौन सा कैपिटल यू स्क्वायर बिल्कुल माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर तो ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस तो मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ एक स्टेप यहाँ से हमने ले लिया कैपिटल यू स्क्वायर कॉमन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल यू स्क्वायर इसमें कॉमन ले लिया मैंने तो मेरे पास आ जाएगा स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल यू स्क्वायर ये वैल्यू आपके पास बनेगी ठीक है अब हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे इसमें से u अपॉन यू इसको भी दिया आप कॉमन लेते हो देखो आगे अपन इसको सॉल्व करते हैं रो डी वाई वाई डी एक्स इंट्रग्रेशन ऑफ जीरो सिंगल डेल्टा यू स्क्वायर तो है ये है ना मल्टीप्लाई मतलब स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू स्मॉल यू अपन कैपिटल यू को मन लेंगे तो यहाँ पर वन माइनस क्या बचेगा आपके पास वन माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू बचेगा ओके इनटू डी वाई ये पूरा निकल के आपके आ जाएगा ठीक है ना इनटू डी वाई ठीक है अब क्या वैल्यू निकल के आ रही है हम ऊपर इसको चेक करते हैं यहां से ये इस कैपिटल यू से एक क्या यू गया तो स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू निकल के आएगा ये तो ट्राव नॉट इक्वल टू रॉ इंटू डी वाई डी एक्स इंट्रीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके डेल्टा और आपके पास ये आ रहा है स्मॉल यू अपन कैपिटल यू स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू बचेगा बचेगा वन माइनस स्मॉल यू अपन कैपिटल यू इन डी वाई ठीक है ये वैल्यू निकल के आ रही है अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा इसमें ये जो टर्म है ये जो टर्म दी हुई है ये टर्म आपके क्या है मोमेंटम थिकनेस के टर्म है जो हम लास्ट डेरिवेशन में इसको डेरिवेट कर चुके हैं तो नॉट इक्वल टू रो इन टू डी थीटा बाय डी एक्स ये टर्म आपके किसी इक्वलेंट आ गई थीटा के इक्वलेंट आ गई है थीटा इज द मोमेंटम थिकनेस यहां से ये डेरिवेशन निकल के आता है और इसी को हम बोलते हैं इस इक्वेशन को हुँ? इस इक्वेशन पॉन कर्मान मोमेंटम इक्वेशन इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिसिंग हो रखा है यू स्क्वायर आपने कॉमन लिया है ठीक है हाँ सॉरी इसमें कटेगा नहीं ये ये कटेगा नहीं यू स्क्वायर इसमें कॉमन लिया है तो डेल्टा इंटू यू स्क्वायर यहाँ पर यू स्क्वायर है तो ये यू स्क्वायर है तो आपका यू स्क्वायर इसी के साथ रहेगा और नेक्स्ट इक्वेशन में मैं इसको आगे एक बार और सॉल्व कर देता हूँ कि टाओ अपॉन टाओ नॉट अपॉन रो यू स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा बाय डी एक्स निकल के आएगा सिंपल ये आपकी हो गई वोन कर्मान मोमेंट मेटेगल इक्वेशन फॉर द बाउंड्री लेयर फ्लो फॉर स्मूथ प्लेट फ्लैट प्लेट फॉर लेमिनार एंड टर्बुलेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये ठीक है तो ये इक्वेश आपकी निकल के आती है एंड इट इज यूज फॉर दिनल ड्रैग ऑन स्मूथ फ्लैट प्लेट फॉर लेमिनार एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के लिए आप यूज कर सकते हैं इसका ठीक है अब इसकी कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं वो आप लगाना चाहो तो लगा दो नोट डाउन कर लीजिए इसको मैं साफ करूंगा फिर अंदर बाउंड्री कंडीशंस आप निकालेंगे तो बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी देखो एट द फ्लैट प्लेट सरफेस ऑफ द फ्लैट प्लेट फर्स्ट कंडीशन है एट द सरफेस ऑफ फ्लैट प्लेट प्लेट की सरफेस पर इसकी कंडीशंस जो होंगी यदि तो इसमें क्या हो जाएगा y इक्वल टू जीरो प्लेट की सरफेस पर y के लिए यदि जीरो है सरफेस पे हम लेते हैं बाउंड्री कंडीशंस को तो जीरो पे लेंगे तो जीरो पे यदि हम लेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी फिर जीरो होगी भाई सही है बिल्कुल हमने ये समझाया हुआ है अच्छे से डायग्राम ये वाई डिस्टेंस जो है आपके पास यहाँ पर एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है वाई डिस्टेंस यदि वाई जीरो लेता हूँ तो वेलोसिटी का प्रोफाइल ये है तो ये वेलोसिटी जीरो होगी आपकी ठीक है इससे डीवाई वाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी डीवाई वाई डी एक्स की आ जाएगी फाइनाइट वैल्यू ठीक है ये आपका फाइनाइट वैल्यू निकल के आ जाएगा एट द सेकेंड एट द आउटर एज ऑफ द बाउंड्री लेर सेकंड बाउंड्री कंडीशन है एट द आउटर एज एट द आउटर एज ऑफ बाउंड्री लेर अब आउटर एज का मतलब अपर लेयर है ये तो अपर लेयर पर जो वाई होगा वो मैक्सिम होगा यहां पर किसके इक्वलेंट आएगा थिकनेस के इक्वेलेंट यह क्या है आपकी डेल्टा ठीक है तो y की वैल्यू में डेल्टा थिकनेस के इक्वलेंट कर दूंगा तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो तो हो जाएगी यहाँ पर मैक्सिमम लेकिन जो स्लोप होगा डी वाई वाई डी एक्स का वो कितना होगा जीरो होगा सॉरी डी वाई वाई डी यू वाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा यहाँ पर वो कितना होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू वाई डी वाई होगा डी यू वाई डी वाई जो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो विल बी इक्वल टू जीरो अब हम हम आगे बात करते है कि सीर end, distance, हैं कि सीयर स्ट्रेस टाओ फॉर द गिवन वेलोसिटी प्रोफाइल इन द लेबिनार एंड ट्रांजिशन एंड ट्रेवलेंट जोन इज ऑप्टेंड द ड्रैग फोर्स ऑन ए स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स ऑफ ए फ्लैट प्लेट अब मानते हैं यहाँ पर कि टोटल जो ड्रैग फोर्स है आपके पास उसका जो फॉर्मूला है वो है सीर स्ट्रेस इन सीयर स्ट्रेस सीयर स्ट्रेस सीयर स्ट्रेस इंटू क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा इंटू एरिया होता है अब सीयर स्ट्रेस तो हो गया टाउनऑट और एरिया हो गया ब्रथ इंटू डिस्टेंस ठीक है ब्रथ इंटू डिस्टेंस ब्रथ लिया है आपने अभी अभी हमने यूनिट ब्रथ ली थी इसलिए वन से मल्टीप्लाई कर दिया था अब हम एज्यूम करेंगे कि इसकी कुछ बिट है हु? या फिर आप इसको बिटथ को बी मान लो तो टोटल जो ड्रैग फोर्स होगा ऑन द प्लेट ऑफ लेंथ एल हम यहां पर लिखेंगे टोटल ड्रैग फोर्स ऑन द प्लेट ऑन द प्लेट ऑफ लेंथ एल टोटल ड्रैग फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ लेंथ एल लेंथ एल पर टोटल ड्रैग फोर्स कितना होगा एफ डी इक्वल टू इंटीग्रेट कर दोगे भाई इसको डेल्टा एफ है ना ये डेल्टा एफ डी है टोटल ड्रैग फोर्स की हम बात करेंगे इंटीग्रेशन जीरो से लेके एल तक लगेगा जीरो से लेके एल तक इस पूरी लेंथ के लिए लेंथ पर हम बात कर रहे हैं तो इस पूरी लेंथ के लिए हम बात कर रहे हैं तो टोटल ड्रैग फोर्स आपके पास ये आ जाएगा टाउनोट बी इंटू डी एक्स ठीक है ये आपके पास टोटल ड्रैग फोर्स आ गया अब इसमें एक कंपोनेंट और निकल के आता है यहाँ तक करने की बात एक डेफिनेशन है इसको हम बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन या लोकल कॉफिशियंट ऑफ ड्रैग देखो रेशियो ऑफ देखिए इसमें द रेशियो ऑफ सियर स्ट्रेस टू क्वांटिटी हाफ रो यू स्क्वायर इज कॉल्ड लोकल कॉफिशियंट ऑफ ड्रैग ये काफी बार न्यूमेरिकल में काम आ जाता है ये लोकल लोकल कॉफिशियंट ऑफ ड्रैग लोकल कॉफिशियंट ऑफ ड्रैग बोल देते हैं हम इसको या फिर आप इसको कॉफिशियंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन भी बोल सकते हो

कॉल्ड इक्वल टू हम बोलेंगे सीयर स्ट्रेस अपॉन हाफ रो यू स्क्वायर सीयर स्ट्रेस अपॉन हाफ रो यू स्क्वायर ये वैल्यू आती है जनरली न्यूमेरिकल्स में काम आ जाती है इसको ध्यान रखना थोड़ा सा स्ट्रेस सीयर स्ट्रेस अपॉन हाफ रो यू स्क्वायर द रेशियो ऑफ टोटल ड्रैग फोर्स टू द क्वाटिटी हाफ एरिया इन टू रोज कहते एवरेज कॉफिशियंट एवरेज एवरेज कॉफिशियंट ऑफ ड्रैग यदि हम निकालें है ना इसी का आगे निकालते हैं एवरेज ए बी ई आर ए जी ई आर ए जी ई एवरेज एवरेज कॉफिशियंट ऑफ ड्रैग देखो भाई स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया तो एवरेज ड्रैग आपका हो जाएगा यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया ऑफ ए रो यू स्क्वायर ठीक है तो एवरेज कॉफिशियंट ऑफ ड्रैग की हम बात करें तो ये वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ द प्लेट और व्यू इज द फ्री स्ट्रीम ऑफ वेलोसिटी ये आपका हो गया मास डेंसिटी ठीक है तो इस तरह से ये आपका डेरिवेशन जो कंप्लीट होता है वोन कर्मान मोमेंटम इंट्रिकल इक्वेशन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फोर आई टी एग्जामिनेशन एंड नेक्स्ट फॉर न्यूमेरिकल प्रिपरेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डरिवेशन है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो